यार ये कितनी पुरानी शॉप है आपकी? सर ये असल में ना 1992 में हमारे वाली साहब करते थे जिनकी ये। ये क्या डाला आपने? ये सर हमारा मसाला है। और ये सर क्रीम है। भाई भी पैक हो गया, ये एक मिनट हो गया बस। तो यार कहानी शुरू होती है, रात के बज रहे थे 11, मैंने कहा क्यों ना कहीं से बारबेक्यू ट्राई आउट किया जाए। तो आपके भाई के जहन में एक जगह आई जनाब, मुझे बताया किसी ने कि आप वहाँ पे जाएं जनाब। तो आपका भाई पहुँचा वहाँ पे, अन्य वाह सीन जनाब, बारबेक्यू, ऐसा बारबेक्यू कि आपने कभी ऐसा बारबेक्यू ट्राई नहीं किया होगा जनाब। ओए ओए ओए, वो ग्रिल कर रहे हैं वहाँ पे, ग्रिल करने के साथ बर्तन रखा हुआ है एक जनाब, उसके अंदर वो मक्खन ऐड कर रहे हैं जनाब, और बीच में जनाब क्या बात है, मसाले अपने, और बीच में जनाब क्रीम। ओ हो 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 हो, क्या बात है यार। बारबेक्यू गिटी से उतार के जनाब उसको जो है वो बर्तन में डाल के जनाब उसके अंदर क्रीम और जनाब उसके अंदर मसाला और जो है मक्खन ऐड किया जा रहा है, उसका एक इतना कमाल किस्म का जनाब टेक्सचर। ओए होए होए होए, और टेस्ट यार नेक्स्ट लेवल, मैच लेस। आपने, मैं चैलेंज करता हूँ कि यार आपने ऐसा बारबेक्यू लाहौर में ट्राई आउट नहीं किया होगा। और ये इंडियन रेसिपी है बेसिकली, ये भाईजान के वालिद साहब थे, वो वफात पा गए हुए हैं, 90s की बात है ये, तो ये उनकी रेसिपी थी। तो इन्होंने 1.5-2 साल पहले ये काम शुरू किया है। बाय द वे यार टेस्ट नेक्स्ट लेवल है, और चलते हैं जाके देखते हैं जनाब यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। काका जी दसो यार, हम आज जैसे बादशाह ग्रिल धर्मपुरा ऐसे हमने टिके आज तक मैंने को कहीं नहीं आए हैं ऐसे बारबेक्यू नेबलॉइड मक्खन नेबलॉइड मक्खन मलाई बोट। ओए होए, आप टेस्ट करें और आप बार बार जाएंगे। तो टेस्ट कैसा था ये बताओ? तो यार उसका मतलब नेचुरल टेस्ट आ रहा था, एक अलग किस्म का टेस्ट। नहीं ऐसा बारबी को अभी कभी खाया आपने? ऐसी रेसिपी नहीं है मैंने कभी जनाब। और वो क्या बता रहे थे कि इंडियन रेसिपी है? इंडियन रेसिपी है। और अभी हमारे आते हुए वहाँ पे लोग लड़ रहे थे कि भाई हमें दे तो हमें दे। रात के 12 बजे जनाब लोहरी उड़ते हैं और वहाँ पे काम खत्म हो गया भाई जनाब, इतना रश और जनाब खत्म, लड़ाइयाँ हो रही हैं उसे जनाब। बाय द वे सीन मुलाहिजा फरमाएं आप, ये चेक करें जनाब। अभी चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको जनाब। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर मजेदार खाने की आप तक पहुँचे। ये वीडियो देखें आप, पूरी देखें, मज़ा आएगा। जी हम अपनी लोकेशन पर पहुँच गए और जनाब ये जो है जगह का नाम, ये पॉइंट का नाम जनाब ग्रिल बादशाह है, और यहाँ पे अंधाधुंध सीन चल रहे हैं जनाब, चेक करें बारबेक्यू के। और जनाब नेपलेट्स पे नेपलेट्स, मलाई बोटी और जनाब टिक्के वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे। और इनका जो स्टाइल है ना बनाने का जनाब, उनकी बेसिकली जो रेसिपी है ना जनाब वो है इंडियन रेसिपी है। यहाँ से इसको बेक करके इसको उस बर्तन में डालते हैं जनाब, और वहाँ पर वो क्रीम भरी हुई है, क्रीम के साथ जनाब वो मक्खन ऐड करते हैं, कोयलों पर गर्म करते हैं, उसके अंदर डालते हैं जनाब, फिर जो टेक्सचर बनता है ना, ओए होए होए, वो कमाल ही कर देता है जनाब। ये चेक करें जनाब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वजन ठीक है यार? क्या क्या होता है आपके पास? भैया मलाई बोटी होती है, टिक्का होता है, और इसके अलावा पीस होते हैं, बटर चिकन। ये क्या पड़ा हुआ साइड पर? ये सर मक्खन है। ये जनाब मक्खन है, कोयलों पे गर्म कर रहे हैं। ये सारी नेबलेट्स लगी हुई हैं? हाँ ये नेबलेट्स लगे हैं, ये टिक्का लगा हुआ है, और ये मलाई बोटी। ये जनाब चेक करें, तो आपकी फेमस क्या चीज़ है? फेमस सर हमारे नेबलेट और ये मलाई बोटी है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है। और ज़रा अपना अपनी लोकेशन बता दें, ज़रा लोकेशन चलेगी ऑर्डर? लोकेशन सर हमारी, अगर आप मालवली साइड से आ रहे हैं ना धर्मपुरे कनाल से, तो आपने बिजिंग अंडरपास शायद देखा होगा, अभी नया ही बना है, भी आना होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपने यूटर्न लेना है बिजिंग अंडरपास के ऊपर से। यूटर्न लेंगे ना, थोड़ा सा आगे आएंगे ना, तो आपके लेफ्ट साइड पे ना कलमे वाली मस्जिद है, कलमे वाली मस्जिद के साथ वर्क करा ये जनाब। और आप स्ट्रेट अंदर आएंगे सबसे पहले चौंक हमारी शॉप है, वैसे आप ये है कि आप मैप के ऊपर सर्च कर लें। ये जनाब चेक करें, ये नेबलेट्स हैं? हाँ जी।
पैक करना पाइया ने अपने भजन। ये क्या है? ये सर क्रीम है। ये क्रीम है और ये इनका मसाला पड़ा है और यहाँ पे जनाब ये गिट्टी रख पड़ी हुई है, मैगनेट्स लग रही हैं और ये जनाब मक्खन पड़ा हुआ है, कोयलों पे गर्म हो रहा है। यार ये कितनी पुरानी शॉप है आपकी? ये असल में ना 1992 में हमारे वाली साहब करते थे, इनकी ये पिक्चर लगी हुई है। ये जो पिक्चर लगी हुई है 2008 में डेथ हो गई थी। अच्छा, अल्लाह पाक उसके बाद ये सेटअप अब ये 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया। हम तीन भाई हैं, ये दोबारा स्टार्ट किया। सही होगा जनाब, यानी कि जो रेसिपी है वाली साहब की आपकी। क्या बात है, ये बता रहे हैं कि वाली साहब बहुत हो गए हैं। तो ये वाली साहब की रेसिपी है जनाब, देखने में तो बहुत ही जनाब उमदा लग रहा है। अभी इसको ट्राई आउट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है जनाब इनका। ये क्या डाला आपने? ये सर हमारा मसाला है। और ये सर क्रीम है। भाई भी पैक हो गया भैया, एक मिनट हो गया बस। ये देख ले कितना कोयला है भाई। ये बैरियर टोन तो है। कितने नैबरेट बना दे? दो बंदे थे। मुझे नहीं पता है भाई। पाइया नैबरेट पाइया मलाई रोटी। और क्या बता दूँ अगर मैंने आपको नंबर पर कॉल किया। चेक करें, ये जो है नेबलेट्स हैं और ये मलाई बोटी और ये नान कौन सा लाया वजह? गार्लिक। ये गार्लिक नान है जनाब, ये इनका स्पेशल है। क्या बात है, ये देखें टेक्सचर इनका, देखने में कितना उमदा लग रहा है, देखें कितनी टेंडर है नेबलेट्स। ओहो, इसको ट्राई आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुँह में जाते हैं जनाब, इस तरह घुल रही है मक्खन की तरह। जो मक्खन ऐड है ना बीच में और जो इन्होंने क्रीम ऐड की है, उसका एक रिच और बैलेंस फ्लेवर आ रहा है। और देखें कितनी टेंडर है ये जो है, आपको देखें बिल्कुल जो है नरम मुलायम, कमाल टेस्ट है जनाब। ये जो मक्खन ऐड है, ग्रेवी बनी हुई है इसकी, एक डिजिटल स्टाइल के अंदर जनाब ये दे रहे हैं बेहतरीन। और ये आप टेस्ट करते हैं इनकी मलाई बोटी है ये। अच्छा, मलाई बोटी में ये जनाब मक्खन और अपना मसाला ऐड करते हैं, उसमें ये जो है मलाई ऐड नहीं करते। तो इसको ये देखें, ओए होए होए होए, क्या बात है जनाब। इसको इसी तरह ड्राई आउट करते हैं, इस पर डिप कर लेते हैं, ज़रा मक्खन लगा लेते हैं इसको। ये देखें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेवल जनाब, मैच प्रेस। अगर आपका रात को बारबेक्यू ट्राई करने को दिल कर रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट बारबेक्यू गए हैं तो गलत नहीं होगा जनाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारबेक्यू ट्राई आउट किया है यार, जेन्युइन नेक्स्ट लेवल का बारबेक्यू इनका, पर्सनली रिकमेंडेड है जनाब। और जो है एक डिफरेंट स्टाइल में, वो जो ऊपर ग्रिल कर रहे हैं और जनाब उसके साथ मक्खन ऐड करते हैं, ऊपर मसाला और साथ क्रीम, नेक्स्ट लेवल की जनाब। और नेबलेट्स हैं इनकी, और पर्सनली रिकमेंडेड है जनाब। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको डाल दूँगा, गूगल मैप से फॉलो कर लीजिए, आप किसी भी यहाँ पे आ सकते हैं जनाब। और जनाब अन्य वाह सीन है, वो जो डालते हैं ना बीच में जब वो ग्रिल करके और जब वो बर्तन में डालते हैं, वहाँ पे जो अगली गेम चलती है ना, ओहो हो, वही गेम बदल रही है सीन जनाब। मसाला ऐड करते हैं, बीच में क्रीम डालते हैं और जनाब ऊपर से मक्खन में उसको नहला देते हैं, और जब वो नेबलेट्स तैयार होती हैं और मुँह में जाती हैं, ओह
नेक्स्ट लेवल बयान नहीं मैं कर सकता। खाई हैं, बहुत ही मज़ा आया जनाब। और इनकी हमने मलाई बोटी लगवाई थी और जनाब लेमलेट्स लगवाई थी, दोनों ही जनाब हाईली रिकमेंडेड है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी जो है वो लोकेशन डाल दी है, ईजिली फॉलो करके आप उसको आ सकते हैं। मेरी जी मानी भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।